समाचार 24 पर इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर इस समय भारतीय चीन बॉर्डर से इस वक्त की खबर आ रही है कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई है। तो समाचार 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई और इस दौरान भारतीय सैनिक व चीनी सैनिकों के बीच में झड़पें भी हुई हैं। ये भी जानकारी इसमें निकल कर आ रही है। जबरदस्त झड़प के बाद 4 भारतीय सैनिक घायल हैं, इसकी पुष्टि सेना की तरफ से की गई है। वह सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई चीनी सैनिक भी घायल हैं। तो सिक्किम के नाकुल में ये झड़प बताई जा रही है। सिक्किम इलाके में ये पूरी झड़प भारतीय सीमा में घुसकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। ये जानकारी शुरुआती तौर पर जो हम लोगों को मिल रही है वो हम आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये झड़प 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन एक तरफ तो भारत से बात कर रहा है, क्योंकि कल रात जिस तरीके से 2:30 बजे तक दोनों के कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, और उससे पहले यानी कि कल आज से 3 दिन पहले यानी कि जब मीटिंग शुरू हुई उससे 2 दिन पहले जो झड़प हुई है उसकी जानकारी अब मीडिया को उपलब्ध कराई गई है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर चीन की तरफ से ये उठता हुआ कि चीन एक तरफ तो बातचीत कर सैनिकों को पीछे हटाने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ लगातार भारतीय सैनिकों को बरगलाने की छेड़छाड़ की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही है। तो भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि झड़प में 4 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। सिक्किम के नाकुला में इस घटना को अंजाम दिया गया है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश चीनी सैनिकों के द्वारा की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने वहां मुंहतोड़ जवाब दिया है। गुत्थम गुत्था हुई है, अब इस जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि चीन ने लगातार फिर हिमाकत करता नजर आ रहा है, और इस पर अभी भी कोई भी भारतीय सरकार का यानी कि भारतीय गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल बयान इस पूरी चीज पर नहीं सामने आया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है वो जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सिक्किम के नाकुला में झड़प को अंजाम दिया गया है। पिछले हफ्ते यानी कि 3 दिन पुरानी इस घटना को बताया जा रहा है। झड़प में भारतीय 4 सैनिक घायल हैं, चीन के 20 सैनिक घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय सेना में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सैनिकों को चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ भी दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ बातचीत का राग लगातार अनपाया जा रहा है, बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ घुसपैठ चल रही है। तो इस पर चीनी सरकार को क्या भारतीय सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी और चीनी सेना को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तो आगामी वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद राजनीति का दौर भी यहाँ शुरू हो जाएगा। लेकिन देश से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिक्किम के नाकुला में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया है।